को कपड़े के शहर के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से वहां के व्यापारियों ने तो कंगना के समर्थन में मणिकर्णिका प्रिंट वाली साड़ी मार्केट में उतार दी है। इस बारे में दैनिक भास्कर ने साड़ी बनाने वाले व्यापारी से एक खास बातचीत की। इस बारे में बताते हुए आलिया फैब्रिक्स प्रीमियम के छोटू भाई और रजत दावर ने कहा, महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से एक महिला के खिलाफ लड़ रही है वो गलत है। उनकी अनुपस्थिति में उनकी संपत्ति पर बर्बरता की गई, उन्हें मुंबई में पैर न रखने की धमकी दी गई थी, जो कि एक अन्याय है। कंगना रनौत के समर्थन में आए सूरत के कपड़ा व्यापारी, मणिकर्णिका प्रिंट के साथ बनाई साड़ी। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के साथ चल रहा एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसके बाद बीएमसी ने हाल ही में एक्ट्रेस की मुंबई स्थित ऑफिस में काफी तोड़फोड़ भी कर दी थी। अब एक्ट्रेस को देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है, खासकर सूरत के कपड़ा व्यापारी तो अलग तरह से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस साहस से प्रेरित है जिसके साथ कंगना प्रशासन से लड़ रही है। जब हमने सोचा कि हमें कंगना के लिए अपना समर्थन कैसे व्यक्त करना चाहिए, इस भावना को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो हमें एक प्रिंटेड साड़ी बनाने का विचार आया और हमने ये साड़ी बनाई। छोटू भाई ने आगे बताया, हमें मणिकर्णिका फिल्म के कंगना रनौत प्रिंट के साथ ये साड़ी बनाई है। ग्राहक भी हमारे उत्पाद की सराहना कर रहे हैं। अब जबकि कोरोना काल में व्यापार ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रहा है, तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है, जिससे पता चल रहा है कि कंगना रनौत का समर्थन करने वाली महिलाओं की तादाद कितनी ज़्यादा है। सूरत के कपड़ा उद्योग में विवादास्पद प्रमुख अभिनेताओं के प्रिंट वाली साड़ी भी पहले बनाई जा चुकी है। इसके अलावा साल 2014 के चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी फिल्म बाहुबली के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रिंट में भी साड़ी दिखाई दी थी। फिर अब कंगना रनौत की साड़ी बन गई है। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी खबरें देते रहें। धन्यवाद।